हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम क्या गुरुनीति मैथमेटिक्स के एपिसोड नंबर 12 में, तो टॉपिक है अपना सर्कल, माइसेल्फ कमल सिंह एंड माइसेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखे, लेट ए सर्कल बी गिवन बाय 2x x माइनस a प्लस y 2y माइनस b इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, देन द कंडीशन ऑन a एंड b, इफ टू कोर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द x एक्सिस can be drawn to the circle from point A B upon 2. तो ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सर्कल का इक्वेशन देखें, तो इसके सॉल्यूशन देखें अपने। तो इस सर्कल की इक्वेशन को आपके पास में जो है, यहां से 2x x माइनस a प्लस, तो इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो y माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। तो 2 से डिवाइड करें, तो x x माइनस a y y माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो ये डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अगर अपने इसका थोड़ा डायग्राम बनाए, तो डायग्राम देखें इसका, तो ये सर्कल आपका क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है, क्लियर है? तो ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस। अब इसमें देखो, आपके पास में इसके एक डायमीटर के एंड के कोऑर्डिनेट्स के आपके पास में ओरिजिन 0 0, ठीक है, दूसरे एंड के जो डायमीटर के दूसरा एंड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन 2, तो इस तरीके से आ गया ए ए बाई बी बाई टू बी बाई टू। अब इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू कोर्ड्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, क्लियर? दो कोड आपके ड्रॉ किए गए, तो दो कोड्स जैसे देखो इस तरीके से, एंड वो इस तरीके से होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या करता है, उस दोनों कोड्स को बाइसेक्ट करता है। तो आप इस तरीके से दो कोड्स ड्रॉ कर देते हैं, ये दो कोड्स ड्रॉ कर, सो दीज टू कोड्स आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। तो सपोज कर लेते हैं, हमने ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, एच कोमा जीरो है, एच कोमा जीरो, तो ये मिड पॉइंट हो गया इस कोड का, इस पॉइंट को मैं ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी, तो अपने B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो देखो ये मिड पॉइंट हो गया, तो आप सेक्शन फार्मूले से, तो इसका ट्वाइस में से आप क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास में 2x माइनस a एंड 0 इसका माइनस b अपॉन 2, तो ये आपके पास में B के कोऑर्डिनेट्स है। B किस पे लाई करता है, अब सर्कल पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पे अपने देखो इस B के कोऑर्डिनेट्स इस सर्कल में रखते हैं, तो आपके पास में 2x माइनस a into 2h minus 2a 2h minus 2a 2a minus a minus a 2a हो जाएगा, minus b by 2, तो minus b by 2 और minus b, तो 0, ये आपके पास है minus b by 2 minus b by 2 minus equal to 0, तो ये minus b हो गया। तो यहां से आपके पास में देखो ये 2 से इसे multiply करेंगे, इसको simplify कर लेते हैं, तो 2h minus a, तो 2h माइनस 2a, सो दिस इज प्लस b, ये आपके पास में प्लस का b स्क्वायर हो गया, यस, ठीक है। तो ये h में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसको अपने थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास में 4s स्क्वायर, तो ये माइनस 2h माइनस 2h माइनस 4h 6 4 टू 4 6 हो गया, तो ये आपके पास में माइनस 2h और वहां माइनस 6h, क्लियर है? तो ये प्लस का 2a स्क्वायर, यस, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसमें आप आगे फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 8 स्क्वायर माइनस 12 ah प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये h में क्वाड्रेटिक आ गया, तो h में क्वाड्रेटिक आ गया। फॉर टू डिफरेंट कोड्स के लिए आपके पास में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखो d फॉर टू डिफरेंट कोड्स के लिए, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आपके पास में यहां पे देखो b क्या है, b आपके पास में 12a, तो 12a माइनस का स्क्वायर, तो माइनस 12a स्क्वायर 4, व्हाट इज a 8 एंड व्हाट इज c 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्लियर है? तो अब अपने पास में ये 144 बन गया, यहां से 144 a स्क्वायर
माइनस 32 एंड 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये 16 की टेबल से कटता है आपका। yes. तो ये आपके पास में 9 ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 8 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो अब अपने पास में ये दिस इज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 बी स्क्वायर। यस, तो ये आपके पास में करेक्ट आंसर आ गया। तो फॉर टू डिफरेंट पॉड्स वी मस्ट हैव दिस रिलेशन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 बी स्क्वायर, सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां सेकंड क्वेश्चन देखिए। इफ एग्जैक्टली टू रियल कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, देन आपको लैम्डा का इंटरवल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू सर्किल है लेट सी1 सी2 और उनकी ओनली टू डिस्टेंट क्या कॉमन नॉर्मल, तो टू सर्किल की ओनली टू कॉमन नॉर्मल कब पॉसिबल होंगी, जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं वीडियो इंटरसेक्ट। तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं अपन ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्या करना है आपको, ये कंडीशन याद रखें आप कि टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर देन C1 C2, C1 C2 का मीनिंग है दोनों के सेंटर की बिटवीन डिस्टेंस लाइज बिटवीन, इधर तो लिखना है R1 माइनस R2 का मोड और इधर लिखेंगे बच्चों R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल C1 C2 दोनों के सेंटर और दोनों की रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो जो फर्स्ट सर्किल है लेट, इसका सेंटर होगा C1 इज 1,1 और रेडियस R1 इज 1 स्क्वायर √2, ठीक है। सी तो कॉन्स्टेंट 0 इसका, ये C1 सेंटर और R1 रेडियस होगी। सेकेंड सर्किल का जो सेंटर है C2 वो होगा बच्चों 4,4 और रेडियस होगी R2 इक्वल टू √32 g²f²-c, तो ये आ गया 32 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अब इस रिलेशन में आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये C1 ये C2 है, तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, √x2-x1² + y2-y1² तो आ गया 4-1 9+9 18 और 18 का रूट तो सीधा 3√। ये C1 C2 के बिटवीन डिस्टेंस है, सबकी वैल्यू पुट कर दो अपन कैलकुलेट करते बाद में। तो देखो R1 माइनस R2 का मोड, तो लेट अब R2 लिखो पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि मोड है अंदर, तो 32 माइनस लैम्डा माइनस √2 का मोड लेस देन C1 C2 क्या है 3√2 और ये है आपका √32 - λ - √2 प्लस, ठीक है, प्लस √2 सॉरी। तो आप C1 C2 R1 R2 और C1 C2 के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करके टू सर्किल अगर क्या करते हैं इंटरसेक्ट, तो इस कंडीशन को यूज करना। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, पहले अपन इस इनइक्विटी को सोल्व करते हैं। तो देखो इन दोनों को सोल्व करोगे तो √2 इधर आके क्या आ गया 2√2, तो ये आ गया 2√2 लेस देन √32 - λ। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ गया 8 < √32 - λ। अब देखो क्या करना है, लैम्डा को लेफ्ट में शिफ्ट करो 8 को राइट में शिफ्ट, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ गया बोलो λ < 24। इससे तो ये कंडीशन होगी कि लैम्डा 24 से लेस होना चाहिए। उसके बाद अपन इधर वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं इधर से। इस इनइक्विटी के लिए देखो क्या करना है, ये बोला गया कि मोड ऑफ दिस पार्ट लेस देन 3√2, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसको याद रखें, कहीं ऐसे लिखा हो कि मोड एक्स लेस देन ए, तो सीधा लिख सकते हैं एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए से, तो दिस पार्ट का मोड लेस देन 3√2 है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बेटा √32 - λ - √2, दिस इज लेट एक्स इज लाइज बिटवीन क्या माइनस ए से प्लस ए, तो माइनस ए तो क्या बन गया माइनस के 3√2 और ए होगा 3√2, बस इसको अपन को सॉल्व करना है। ये माइनस रूट टू है तो सब में माइनस रूट टू एड करो आप, तो ये तो आ गया माइनस के 2√2 लेस देन ये √ 32 - λ 32 - λ और लेस देन 4√2। अब इधर देखें सभी, ये वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है और नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, तो रूट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव लेस देन पॉजिटिव, ये तो इनइक्विटी आपकी ऑलवेज क्या होगी 2, तो उसको हटा दो आप, बस ओनली दिस पार्ट को सॉल्व करना है।
ये तो ऑलवेज ट्रू है तो इसको रिमूव करो, तो लेस देन 4√2। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अगेन इसकी करो आप स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करो तो आ गया 32 माइनस लैम्डा लेस देन 32, 32 से 32 कैंसिल और लैम्डा को राइट में शिफ्ट करो तो ये आ गया लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो एक तो कंडीशन है लैम्डा 0 से ग्रेटर, एक कंडीशन थी आपकी लैम्डा 24 से लेस। अब कंडीशन तो एक और लगानी है आपको, देखो फर्स्ट जो सर्किल था इसकी रेडियस तो √2 थी, सेकंड सर्किल की रेडियस थी √32 माइनस लैम्डा, तो रेडियस इज ऑलवेज रियल मतलब पॉजिटिव, तो ये 32 माइनस लैम्डा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इससे भी कंडीशन मिलेगी लेस देन 32 लैम्डा। तो जब आप इन तीनों का कॉमन लोगे तो लैम्डा 0 से ग्रेटर और 24 से ग्रेटर लेस होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे आप 4। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए 1 2 बी 3 4, लेट सी एक्स वाई बी ए पॉइंट सच दैट एक्स माइनस 1 वाई एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 वाई माइनस 4। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 1 यूनिट देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ सी इन एक्स वाई प्लेन इज। अब ये आपके पास में देखो इसमें ये एक सर्कल का इक्वेशन है डायमीटर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और ये आपके पास में ये दोनों पॉइंट्स के डायमीटर एंड्स हो गए, तो डायमीटर एंड्स हो गए, और ये पॉइंट सी जो है एक्स वाई विच लाइज ऑन दिस सर्कल, वो एक सर्कल पे लाई करता है। तो देखो इससे सॉल्यूशन में कैसे है, तो सर्कल क्या है आपके पास में एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 2 वाई माइनस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में सर्कल है, अब इसका देखो डायमीटर एंड्स क्या है 1.2 एंड 3.4 1.2 एंड 3.4 3.4। अब इसका अगर आपने रेडियस देखें तो रेडियस इसका कितना आ रहा है, जैसे डायमीटर देख लेते हैं पहले कितना आ रहा है डायमीटर इसका, तो दैट इज 4 एंड 4 तो 2√2 2√2 आ गया, 2√2 इसका डायमीटर होगा, तो रेडियस इसका कितना हुआ √2। क्लियर है। अब इसमें देखो आपके पास में अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, ये ए ले लो, इस एंड को बी ले लो, इसको मैं कोई एक अलग से पॉइंट लेट कर लेता हूं, ठीक है, अगर अपने इस ट्रायंगल का एरिया देखें, एबीडी का एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया आपके पास में क्या आएगा 1/2 एंड दिस इज 2√2 इनटू √2। क्लियर है। तो ये आपके पास में 2 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया दैट इज 1, तो 1 तो तभी होगा जब इसकी हाइट देखो मैक्सिमम, देखो इस ट्रायंगल की जो एरिया आपके पास में जिसका बेस क्या है डायमीटर है, ठीक है, उसकी हाइट किसके इक्वल है रेडियस के इक्वल है, तो इसका एरिया आपके पास में मैक्सिमम आ गया। अब अपने को एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसका रेडियस मतलब एरिया कितना है 1 है, तो 1 कब बनेगा जब उसकी हाइट क्या √2 से कम होगी, क्योंकि उसका बेस तो आपके पास में ए भी है, तो उसको अपने को उसका एरिया 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी पॉइंट या तो इधर होगा या सी पॉइंट इधर होगा। क्लियर है। तो दो पॉइंट तो इधर हो सकता है, वो सी पॉइंट इधर भी हो सकता है आपके पास में, तो इन सच ए वे दैट वी मस्ट हैव द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है। तो यहां पे आपके पास में चार पॉसिबिलिटी बनती है, सी में भी हियर 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 हियर, तो आपके पास में चार तरीके से ट्रायंगल पॉसिबल होगा हुज एरिया विल बी 1। क्लियर है। तो सो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखें। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हिच कट्स द सर्किल दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑर्थोगोनली। ये टू सर्किल गिवन है लेट C1 C2 और ये दोनों सर्किल क्या करते हैं, एक थर्ड सर्किल है जिसके सेंटर का लोकस आपको फाइंड आउट करना, उसको ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो बताओ उसका लोकस क्या हो सकता है। तो देखें अपन एक सर्किल एड करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्किल आपने लेट किया है और दिस लेट इसको बोल दो आप c1, ये जो सर्किल गिवन है एक को लेट करते हैं c2 और नेक्स्ट को लेट करते हैं लेट c3। तो c1 सर्किल आपका c2 के साथ क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट। तो टू सर्किल अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट। तो कंडीशन है वो याद रखें कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ध्यान रखना, क्या याद रखना, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो देखो अपन c1 ऑर्थोगोनली
विद सी टू, तो क्या लिखना है बोलो, टू जीवन, तो देखो फर्स्ट सर्किल का जीवन क्या जी, सेकेंड सी टू सर्किल का जीवन प्लस सिमिलरली टू एफ एफ वन सी प्लस सी, ये आपने फर्स्ट सर्किल की कंडीशन यूज की। सिमिलरली जो सी वन सर्किल है वो सी थ्री के साथ भी क्या ऑर्थोगोनल, तो अगेन क्या लिखना है टू जी, सेकेंड में क्या लिखोगे जी टू, सी थ्री सर्किल में जी की जगह क्या लेना है जी टू प्लस टू प्लस टू एफ एफ टू इक्वल टू सी प्लस सी टू। अब देखो आपको सी वन सर्किल के सेंटर का लोकस चाहिए, तो अपन लोकस के लिए पॉइंट लेट करते हैं एच कोमा के, तो देखो ऐसे करो उसको, आप फर्स्ट सर्किल सी का सी वन का पॉइंट लेट करो एच कोमा के सेंटर जिसका लोकस चाहिए, तो देखो इसमें एच का मीनिंग क्या है, इस सर्किल का सेंटर क्या माइनस जी माइनस है, तो आप इसको कंपेयर करोगे तो एच की जगह तो लेना माइनस जी और के को लेना बच्चों माइनस के एफ। तो एक काम करते हैं अपन, अपन को जी और एफ को पुट करना है एच और के, इन दोनों ही क्वेश्चनों में जी वन जी टू एफ वन एफ टू और सी वन सी टू तो गिवन है, जी और एच को जी और एफ को तो पुट कर सकते हैं माइनस एच माइनस के, और सी वन का करना आपको एलिमिनेशन लोकस के लिए। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये लाइट फर्स्ट इक्वेशन है, ये लाइट आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को करो बच्चों सब्ट्रैक्ट। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को करोगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा, देखो ढंग से इसमें से इसको माइनस करोगे तो टू जी कॉमन टू जी जी वन माइनस हाँ जी वन माइनस जी टू प्लस प्लस टू एफ कॉमन अगेन ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू आ गया सी वन माइनस सी टू। अब लोकस के लिए क्या करना है, जी एच को पुट सॉरी जी को पुट करना माइनस एच, तो आ जाएगा माइनस टू एच और माइनस टू के, तो एक काम करो माइनस को राइट में शिफ्ट कर दे साथ के साथ, तो फाइनल आ गया टू एच जी वन माइनस जी टू प्लस टू के एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू और माइनस को राइट में शिफ्ट किया तो सी टू माइनस सी वन आ गया ना। बाद में क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस करना है के को वाई से, तो सीधा आ गया टू एक्स ऑफ दिस पार्ट प्लस टू वाई ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू सी टू माइनस सी वन। तो इसको ढंग से देखो आप, जो आपके सर्किल हैं कौन से, ये दो सर्किल जो गिवन है सी टू और सी थ्री, तो जब आप सी टू माइनस सी थ्री करोगे सी टू माइनस सी वन इक्वल टू जीरो, किसी को भी किसी से माइनस कर दो, तो दो सर्किल को जब माइनस करते हैं एस वन माइनस एस टू जीरो तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उनकी रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस बोथ एस वन माइनस एस टू जीरो को क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस बोथ दी सर्किल। तो ये जो सी सी वन सर्किल का जो लोकस है सेंटर का वो क्या है, दोनों सर्किल गिवन सर्किल का रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दी रेडिकल एक्सिस ऑफ दी गिवन सर्किल, तो इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। अब चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो, द नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स एट विच द सर्कल ड्रॉन विद द पॉइंट्स वन एट एंड जीरो जीरो एज द एंड्स ऑफ द डायमीटर कट्स द सर्कल सी इज। तो अब इसमें देखो आपके पास में ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब द नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स एट विच द सर्कल ड्रॉन विद द पॉइंट्स 1 8 एंड 0 0 एज द एंड्स ऑफ द डायमीटर, तो ये एक अनदर सर्कल के क्या है डायमीटर एंड्स हैं, तो उनके अपने पास में डायमीटर उस सर्कल का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स एट विच द सर्कल ड्रॉन विद द पॉइंट्स 1 8 एंड एज इट मतलब ये डायमीटर एंड हो गए, तो ठीक है। तो अब इसमें देखो पहले गिवन सर्कल सॉल्यूशन, द गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई, यस क्लियर है। तो अब इसमें देखें आपके पास में सर्कल का इक्वेशन फुल डायमीटर एंड्स आर, तो देखो ये जो पॉइंट आपके पास में एक तो एक इसका ओरिजिन हो गया, दूसरा एंड क्या आपके पास में वन एट है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल फुल डायमीटर एंड्स आर एक्स माइनस वन हुज डायमीटर एंड्स क्या है आपके पास में 18 एंड 00 00, ठीक है। तो आपके पास में x इनटू x माइनस वन
x माइनस वन, फिर x माइनस जीरो प्लस y माइनस एट इंटू वाई माइनस जीरो, ठीक है। सो ये आपके पास में सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अब अपने पास में ये डायमीटर एंड्स आ गए, मतलब ये सर्कल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है नंबर ऑफ रियल पॉइंट्स एट विच द सर्कल ड्रॉन विद, अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने अपने को कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भाई इसमें C1, इसका आपने सेंटर निकाल ले, सेंटर इसका क्या है 3 4, ठीक है। इसका रेडियस कितना है वो देख लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास में 14, तो दिस इज 35 36 आ रहा है, 6 आ गया, यस। वैसे ही फिर अपने इस सर्कल का देख लेते हैं, तो ये आपके पास में C2 1/2 2/4 एंड रेडियस इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका रेडियस आपके पास में 1/4 + 16, ठीक है। ये अंडर 65/2 ये इस फॉर्म में आ गया। अब अपने को ये चेक करना है कि भाई ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते दो पॉइंट पे, तो उसके लिए आप देखो इसमें कोई कंडीशन लगाएंगे, फॉर द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर वी मस्ट हैव द कंडीशन, देखो C1 C2, अगर ये C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर अगर किस में रेंज में लाई करता है, R1 + R2 और मॉडुलस ऑफ R1 - R2 में, अगर उसमें लाई करता है, ये अपने को इसमें चेक करना है पहले, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है तो इट मींस बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, क्लियर है। तो अब इसमें देखो C1 C2 अगर अपने निकाले तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज C1 C2 इक्वल टू वी हैव, ये आपके पास में कितना आ जाएगा 5/2 होल स्क्वायर, फिर ये आपके पास में जीरो यही बनेगा, तो इसमें आपके पास में 5/2 आ रहा है, यस, क्लियर है। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन दी, अब इसमें देखो आपके पास में ये अंडर 65/2 ये 8 point something हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 8 से बड़ा होगा, तो 6 - 8/2 ये कितना आएगा 4.0 कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर इसमें आप रखें तो देखो दिस इज 6 - √65/2 ये आपके पास में इसकी जो वैल्यू रहेगी, ये आपके पास में कितना आ रहा है, तो मैंने कितना बताया जैसे 4.0, तो ये 2.0 कुछ ऐसा बनेगा, तो 1 point कुछ ऐसा आएगा, तो 2.5 से कम होगा ना, ठीक है। तो ये आपके पास में C1 C2 इज ग्रेटर देन व्हाट समेशन दिस रिलेशन, क्लियर है, एंड लेस देन, अब इनका दोनों का जो समेशन होगा वो आपके पास में कितना आएगा, ये 4 point something हो गया, 4 point something + 6 That is greater than what? Point. तो ये आपके पास में R1 + R2 यानी ये हो गया √65/2 + 6 तो ये this condition this C1 C2 lies in between these two. It means both the circle are intersecting each other at two distinct point. Distinct real points. So answer to this question is third one. So next question. उसके बाद sixth question देखें. The circle x² + y² + 4x + 22y + c = 0 bisect the circumference of the circle this part. इसको देन आपको c + d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्या बोला गया है कि जैसे लेट ये सर्किल है आपका c1 और लेट सेकेंड सर्किल है c2. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो c1 सर्किल है ये सेकेंड c2 सर्किल के डायमीटर को सॉरी सेकेंड सर्किल को क्या करता है सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट. तो उसका मीनिंग क्या देखो, जैसे लेट आपने C2 सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है. अब C1 सर्किल C2 सर्किल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है, तो सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का मीनिंग है कि वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. उसी में तो बोल सकते हो ना कि इसको सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा. तो जब ये टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेगा तो जो लाइन है ना 100% इसका सेंटर पे लाई करेगा. तो C1 सर्किल को जब आप ड्रॉ करोगे तो उसका रफली डायग्राम बेटा ऐसे ड्रॉ करना अपन को. ये इसका डायग्राम है कि जो C1 सर्किल है वो C2 सर्किल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करना है. तो देन आपको C1 + C2 को कैलकुलेट करना है. देखो ये C1 और ये C2 है, तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है डॉटेड, ये क्या है C1 C2 सर्किल का कॉमन कॉर्ड, C1 C2 सर्किल का कॉमन कॉर्ड. तो दो सर्किल गिवन है आपको S1 S2,
तो उनके कॉमन कोड की क्वेश्चन क्या होती है, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। तो चलो पहले कॉमन कोड की क्वेश्चन बताओ क्या होगी, तो फर्स्ट सर्किल में से सेकंड सर्किल को सबट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल, तो आ गया 6x प्लस 14y प्लस c प्लस d इक्वल टू जीरो। ये आपकी कॉमन कोड है लेट ab, इस कॉमन कोड ab की बेटा इक्वेशन है। अब इसमें आपको c प्लस d चाहिए, मतलब आपको x और y को एलिमिनेट करना है। देखो ये जो सेंटर है किस सर्किल का, c2 का सर, तो c2 सर्किल का सेंटर क्या है, 1 कॉमा माइनस 4। c2 सर्कल का सेंटर है 1 कॉमा माइनस 4, तो जो c2 सर्कल का सेंटर है लाइज ऑन दी लाइन ab, c2 1 कॉमा माइनस 4 लाइज ऑन दी लाइन ab, तो उसको ab में पुट करोगे तो आपको c प्लस d की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो 6 माइनस 56 तो 50 आ गए लोग, c प्लस d क्या होगा 50, ठीक है आंसर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 30 एंड फार्देस्ट फ्रॉम द सर्कल x2 + y2 + 8x + 6y + 16 = 0। तो क्वेश्चन क्या है, भी एक स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट 34 से पास हो रही है, ठीक है, और वो इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मतलब अधिकतम दूरी पर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले तो इस सर्कल का सेंटर निकालो, इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को पहले चेक कर लो, ये 3 4 देखो, अगर आप इस सर्कल में रखते हैं तो आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, इट मीन दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। इसमें सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या आपके पास में, सेंटर इट्स सेंटर -4 -3, क्लियर है। अब अपने पास में देखो ये सर्कल ऐसा है, ठीक है, this point lies outside this circle 3 4, इस फॉर्म में आ गए। अब अपने पास में इस पॉइंट से देखो आप बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रा मेनी नंबर ऑफ लाइंस थ्रू दिस पॉइंट इन दिस वे, ऐसे बहुत सारी लाइनें आप ड्रा करेंगे, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी होगी विच इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस, अब इनका जब आपने डिस्टेंस देखते हैं इन सभी लाइन का वेरी कर रहा है, ठीक है, एक लाइन ऐसी आएगी हूज डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल विल बी मैक्सिमम, तो वो लाइन कैसी होगी, देखो ये सर्कल का जो सेंटर आपके पास में, इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर को और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी विच इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये जो लाइन है आपके पास में, ये लाइन क्या मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, क्लियर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन हूज डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल विल बी मैक्सिमम। तो कौन सी लाइन होगी मैक्सिमम डिस्टेंस पे, जिस पे क्या है सर्कल के सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर का जो फुट है दैट विल बी द पॉइंट 34, क्लियर है। तो अब अपने को क्या करना है, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इसका जब स्लोप पता लग गया तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो इसका स्लोप क्या आपके पास में, इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, तो एम ए सी इसका स्लोप देखें, सो दिस इज 7 7, तो दिस इज 1, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन माइनस, तो इसका स्लोप क्या आपके पास है -1, तो रिक्वायर्ड लाइन विल बी, तो रिक्वायर्ड आपके पास में लाइन क्या होगी y -3 y -4 -x -3, यस, सो दिस विल बी x + y एंड दिस इज -7, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज x + y -7, क्लियर इज इक्वल टू 0। सो ये जो लाइन होगी वो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स। देखो उसमें मोड एक्स है, तो जब एक्स मोड एक्स आपका जीरो का जीरो पे जीरो है, तो जब आप जीरो से ग्रेटर लोगे तो एक सर्किल होगा, और एक्स को जीरो से लेस लोगे तो एक सेकेंड सर्किल फॉर्म होगा। तो देखते हैं अपन, एक्स को आपने जीरो से ग्रेटर लेट किया तो मोड एक्स को क्या लिखेंगे अपन, एक्स। तो फर्स्ट सर्किल आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो देन सेकंड सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, क्योंकि उधर माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स। अब इसमें एक्स को जीरो नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगर आप एक्स को जीरो लोगे ना तो एक्स को जीरो पुट करने पर वाई भी जीरो आ गया, तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट सर्किल, ठीक है।
तो उसकी बात नहीं करनी अपन को, तो इसमें ओनली आप एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो की बात करोगे। अब देखो इन दोनों सर्किल की आपको बतानी है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो अपन इसको इजीली एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसका सेंटर क्या 1/2, 0 और रेडियस क्या 1/2। तो जब फर्स्ट सर्किल को ड्रॉ करोगे आप, ये लेट एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो फर्स्ट सर्किल तो ड्रॉ होगा आपका ऐसे, इसका सेंटर 1/2, 0 रेडियस 1/2, तो इस ओरिजिन से पास कराना है। सेकेंड सर्किल का सेंटर क्या होगा -0.5 और रेडियस इज अगेन 1/2, तो मतलब -0.5 इधर होगा और रेडियस 1/2 ये, तो अगेन ये सेंटर से पास होगा, टच करेगा सॉरी। तो देखो इन दोनों की नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है, एक तो वाई एक्सिस होगी जो उसको टच करती है, और एक कॉमन टेंजेंट इधर से बनाओगे आप और एक कॉमन टेंजेंट इधर होगी, दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों पैरेलल टेंजेंट होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो टोटल 3 टेंजेंट अपन कॉमन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्कल x2 + y2 = 4x + 8y + 5 इंटरसेक्ट द लाइन 3x - 4y = m एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन, ये लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको m की रेंज पूछी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, देखो आपको ये इसमें m कांस्टेंट दे रखा है, आपको क्या करना है सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर मस्ट बी लेस देन जीरो, मतलब लेस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के रेडियस से कम होना चाहिए अगर ये लाइन क्या है इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो देखो ऐसा ये लाइन हो गई, ठीक है, तो ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये जो P है दिस मस्ट बी लेस देन व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर वो सर्कल को टच करेगी तो P इज इक्वल टू R हो जाएगा, अगर P ग्रेटर देन R होगा तो इट मींस दैट लाइन नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच द सर्कल। तो आपके पास में क्या करोगे, सर्कल का सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, सेंटर क्या है इसका आपके पास में 2.4, सो व्हाट इज इट्स रेडियस, रेडियस भी है सो 4, 60 एंड 5, सो दैट इज 5, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मस्ट बी लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपके पास में इस लाइन पे देखो आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 3x - 4y - m इज इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज 6 - 16 एंड माइनस 10 अपॉन 3² + 4² ये 25 हो गया, दिस इज लेस देन व्हाट रेडियस 5, क्लियर है, तो ये 5 से कम हो गया, तो इधर आप क्या करोगे इसमें देखो ये माइनस 10 माइनस 7 बच गया, ठीक है, इसको फिर अपने किस फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस 10 माइनस 7 लेस देन 5, ठीक है। अब m प्लस 10 लिख लो, मॉडुलस में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सर 25 आ गया, तो 25 सॉरी इधर 25 आएगा, और इसमें देखो इसको सिंपलीफाई कर ले, तो दिस विल बी माइनस 25, ये m प्लस 10 लिख देता हूं, या इसी फॉर्म में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपको सेट करना पड़ेगा इसमें, तो 10 प्लस 7 तो माइनस 25 इज लेस देन 10 प्लस 7 इज लेस देन 25, तो क्लियर है। तो अब इसमें आपके पास है माइनस 35 एम वेरीज फ्रॉम 15, सो रेंज ऑफ दी एम इज फ्रॉम माइनस 35 टू 15, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सो हियर दिस वन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन देखें, द कोड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स on the line 2x plus y equal to 4 to the circle this part passing through a fixed point, उसको name दिया गया x node comma y node, then आपको x node plus 6 y node की value को calculate करना, देखो कैसे करना चाहिए, question को समझो पहले, ये एक circle given है let x square by y square equal to 1, और ये एक line है, इसको अपन कैसे भी draw करो, हो सकता है कट भी कर दियो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, इस line पे एनी पॉइंट से आप क्या करते हो टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, जैसे लेट आपने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की और एक टेंजेंट लेट ऐसे ड्रॉ की, तो ये इनकी क्या हुई कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने पॉइंट को लेट इधर लेट किया बाई चांस, तो अगेन जब आप इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट लेट ऐसे है
और सेकेंड टेंजेंट लेट ऐसे है, तो ये इनकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो ये दोनों का फिक्स पॉइंट हो गया ना भाई। आप पॉइंट को वेरी करोगे तो जितनी भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो ये आपको फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो वो क्या मेथड है, फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या है कि जो एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की कुछ नहीं, क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का अपन फिक्स पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट क्या लिखते हैं अपन, एल वन प्लस लैम्डा एल टू जीरो। तो आपने इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को एल वन प्लस लैम्डा एल टू में क्या कर दिया बच्चों, कन्वर्ट। तो दिस रिप्रेजेंट दी फैमिली ऑफ कॉर्ड्स, या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या करती है, रिप्रेजेंट। तो अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, तो जो ये आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x plus y equal to 4, तो आप क्या करो इस स्ट्रेट लाइन पे लेट इस पॉइंट को कंसीडर करो P। ये P पॉइंट आप क्या लेट करो, जैसे लेट इस लाइन पे मैंने इस पॉइंट P को का जो x कोऑर्डिनेट है इसको अल्फा लेट किया, तो P का जो x है वो अल्फा इस लाइन पे पुट कर दो x को, तो इससे y आ गया 4 minus 2। तो आपने इस लाइन पे पॉइंट क्या लेट किया, 4 minus 2 अल्फा कोमा 4 minus 2 अल्फा। आप अल्फा बीटा भी लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है आपकी ये क्या, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इज टी इक्वल टू जीरो। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन होगी टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है कि जो सर्किल है उसमें एक्स स्क्वायर को एक्स वन से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को वाई वन से। तो ये आ गया एक्स अल्फा प्लस वाई वाई वन इज 4 minus 2 alpha equal to 1। वन को भी दर्शित कर दो आप, ये आपकी क्या, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन। और इसमें अल्फा वेरिएबल है, तो 100% अल्फा की वैल्यू को चेंज करोगे तो इससे क्या मिलेगी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 100% ये फिक्स पॉइंट से पास होगी। तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं L1 plus lambda L2 0। तो देखो इसमें जो अल्फा वाला पार्ट है इन दोनों को एक साथ, रिमेनिंग पार्ट को सेपरेट, तो रिमेनिंग पार्ट तो क्या 4y और माइनस वन, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड पार्ट में जब आप अल्फा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया बच्चों एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको आप एल वन लेट करो, इसको एल टू लेट करो, तो कौन सी फॉर्मेट होगी, एल वन प्लस लैम्डा एल टू जीरो। तो देन देयर फिक्स पॉइंट इज एल वन जीरो और एल टू जीरो का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एल वन को जीरो करोगे तो वाई आ गया 1/4, और एल टू को जीरो करोगे तो x इक्वल टू मिलेगा आपको 2y, और 2y में जब आप y को 1/4 पुट करोगे तो x आ गया 1/2। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, 1/2, 1/4। तो इसको तो x नॉट बोला गया, इसको y नॉट। तो चलो अपन इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, x नॉट की वैल्यू तो क्या बच्चों 1/2 प्लस y नॉट की वैल्यू क्या है बोलो, 1/4। तो 6/1/4 इज 3/2। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी बोलो, 2। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल विद द इक्वेशन x² + y² = 1 इंटरसेक्ट द लाइन y = 7x + 5 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स a एंड b। लेट c बी द पॉइंट एट व्हिच द पॉजिटिव x एक्सिस इंटरसेक्ट द Positive x-axis intersect the circle. Clear? So the angle ACB. अब ये जो लाइन है आपके पास में इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ए और बी पे। फिर ये सर्कल जो आपका x-axis को पॉजिटिव डायरेक्शन में जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट सी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम होमोजिनाइजेशन का एप्लीकेशन लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, यानी समघातीकरण। तो देखो इसमें आपके पास में अगर इसका रफ डायग्राम बनाए थोड़ा सा, देखो ये आपका सर्कल हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में सी 1, 0। तो सी पॉइंट ये रहा। अब ये लाइन का देखो आपके पास में ये कहां पे मीट कर रही है, अगर इसमें x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y इक्वल टू 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आ गई आपके पास में 0, 5, ठीक है। और इसमें अगर अपने y इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, -1/5, -5/7। तो वो इस यहाँ आएगा आपके पास में कहीं। तो ये लाइन आपके पास में इस टाइप से हो गई, ये पॉइंट ए बी। अब देखो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है।
ठीक है, इसमें दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे इस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर सर्कल में रख दो, ठीक है, तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो वो इन दोनों पॉइंट्स के आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको a और b के दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, फिर आप क्या करोगे ac का स्लोप निकाल लो, bc का स्लोप निकाल लो, फिर फार्मूला लगा दो tan थीटा m1 - m2 / 1 + m1 m2 यू विल गेट द एंगल बिटवीन दीस टू लाइन, क्लियर है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं दूसरा तरीका क्या कर रहा हूँ, इसमें होमोजिनाइजेशन बना रहा हूँ, मतलब होमोजिनाइजेशन मतलब का एप्लीकेशन करूंगा, इसको होमोजीनियस बनाऊंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल को विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो ये देखो आपके पास में सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये आपके पास में वाई माइनस सेवन एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन, लाइन से ही आ गए होमोजी, मतलब इसको होमोजीनियस बनाने से हमें को क्या मिलेगा भी, ये लाइन जहां पर इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली दो लाइंस का इक्वेशन मिलेगा, इनका इन दोनों का इक्वेशन मिलेगा, एक तो इसका इसका कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन वी विल गेट द होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री टू, दो घात में मतलब समघात समीकरण मिलेगा। तो देखो मैं अब इसको होमोजीनियस बनाऊंगा, तो यहां पर आपके पास में ये दो है दो है, इधर क्या कॉन्स्टेंट है, तो फिर अपने को इसको होमोजीनियस बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस सेवन एक्स अपॉन फाइव होल स्क्वायर, क्लियर है, तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये क्या आएगा, देखो यहां से 25 तो यहां से आपके पास में 25 तो ये कितना आएगा, मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं ये 49 एक्स स्क्वायर आएगा, तो इधर से माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, और इधर से आपके पास में देखो 25 वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24 प्लस का हो जाएगा 24 वाई स्क्वायर, क्लियर है, तो ये बाकी का आपके पास में इधर कितना आएगा, वो जो इसमें माइनस 14 एक्स वाई आएगा, तो वो प्लस का 14 एक्स वाई, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन आपको इनसे मतलब है इन दो टर्म से। अब आपको ये पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर होमोजीनियस इक्वेशन होता है जो डिग्री दो का, अगर उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट का सम अगर इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, देन बोथ दी लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इससे जो दोनों लाइन का जो इक्वेशन है ना इनका OA और OB का, ठीक है, तो दे आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब आपको ये पता है ये जो कोण होगी सर्कल की विच इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये कोण आपका क्या करेगी, अब सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 45 डिग्री, क्लियर, तो एंगल ACB आपके पास में क्या आएगा, एंगल ACB इस 45 डिग्री, ठीक है, तो इसको अपने tan थीटा के इक्वल जैसे जैसे आपके पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू हियर 1 के इक्वल आएगा, इसको जैसे मैं इसको थीटा लेट कर लेता हूं पूरे को, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan लेंगे तो यहां पे आपके पास में थीटा विल बी इक्वल टू हियर tan इनवर्स 1 या, क्लियर है, तो ये आपके पास में 45 डिग्री के इक्वल होता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ उसके बाद देखो 12 क्वेश्चन क्या है, दी रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ए सच दैट दी एंगल थीटा बिटवीन दी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट ए कोमा जीरो टू दी सर्किल दिस पार्ट, आपको क्या करना है इस ए कोमा जीरो से इस सर्किल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और उनके बीच का एंगल क्या बोला गया थीटा, और थीटा की रेंज गिवन है पाई बाय 2 से पाई, देन आपको बोला गया है कि ए सेटिस्फाइड कि ए का इंटरवल क्या हो सकता है, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो ये लेट एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0 0, इसका सेंटर है C0, 0, अब आपको ए कोमा जीरो से टू टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसका मीनिंग 100% ये पॉइंट आउटसाइड दी सर्किल होगा, तो चलो इसको अपन इधर लेट कर देते हैं, लेट ये पॉइंट है ए ए कोमा जीरो, ठीक है, इस पे आपने क्या की टू टेंजेंट्स को ड्रॉ किया इसलिए, और ये एंगल आपको थीटा है और थीटा की रेंज है पाई बाय 2 से पाई, देन आपको ए का इंटरवल फाइंड आउट करना है, देखो कैसे करोगे, इस पॉइंट को आप ज्वाइन करो सेंटर से, ठीक है, और सेंटर से जब टेंजेंट पे क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो इस जगह मीट करती है, ये एंगल 90 है, ये सेंटर सी है, और ये टोटल एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा थीटा बाई 2,
क्योंकि सेंटर से जब इस पॉइंट ए को ज्वाइन करते हैं तो दोनों टेंजेंट के साथ क्या करेगा, इक्वल एंगल होगा। तो ये थीटा बाय 2, ये थीटा बाय 2। तो देखो ये रेडियस इसकी 1 है, ये पॉइंट ए ए कॉमा 0 है और सी 0,0 है, तो सी ए डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस होगी सी ए, ए मत लिखना, इसको लिखना मोड ए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डायग्राम आपका उधर भी हो सकता है ना, ए नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। तो ये मोड ए है, ये 1 है, ये एंगल 90 है ना, तो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये बेस, तो इसमें आप सीधा ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये बेस, तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा 1 बाय मोड ए। तो सीधा साइन थीटा बाई 2 का साइन थीटा बाई 2 यूज करो उसमें, तो साइन थीटा बाई 2 आ गया 1 अपॉन मोड ऑफ ए। ठीक है, थीटा पाई बाई 2 से पाई है तो देन आप अपन इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा बाई 2 की, तो साइन थीटा बाई 2 की जो रेंज होगी वही 1 बाई मोड ए की क्या होगी बोलो, रेंज। तो थीटा पाई बाई 2 से पाई है, अपने इसमें थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 क्या होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, तो साइन की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या होगी 1 बाई रूट 2 से 1। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि थीटा जब पाई बाई 2 से पाई है तो थीटा बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होगा, तो साइन थीटा बाई 2 की रेंज क्या होगी बोलो, हाँ ओपन इंटरवल लेना है क्योंकि इस पे ओपन है, -1/√2 से 1। तो साइन थीटा बाई 2 की रेंज मिली आपको 1/√2 से 1, तो 1 अपॉन मोड ए भी आपका क्या होगा 1/√2 से 1 के बिटवीन। तो चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन मोड ए इज लाइज बिटवीन 1/√2 से मोड ए। देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो अपन डायरेक्ट इस इनइक्विटी का ले सकते रेसिप्रोकल। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो रेसिप्रोकल लोगे तो इसको क्या करते हैं इंटरचेंज इन दोनों को, तो ये तो 1 इधर आ गया 1 अपॉन मोड ए का रेसिप्रोकल मोड ए, और ये आ गया बच्चों √2। अब मोड ए आपका 1 से √2 है, तो देखो ए को पॉजिटिव लोगे ना तो सीधा 1 तो आ गया 1 से √2, ए अगर पॉजिटिव है तो क्या आ गया बोलो 1 से √2, और ए नेगेटिव होगा तो ये माइनस है, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी -√2 से -1। तो एक इंटरवल आ गया ए बिलोंग्स टू -√2 से -1, इसलिए इसमें मोड लगाना मस्त था क्वेश्चन में, अदरवाइज अगर मोड लगाना भूल जाते अपन तो ए के आंसर था 1 से √2। ठीक है, तो मोड एक्स लेस देन ए से बी, तो इसका डायरेक्ट आंसर तो -b से -a यूनियन ए टू बी। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आना चाहिए, हाँ -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। तो आपको फोर्थ ऑप्शन को टिक करना है, सेकेंड और थर्ड को टिक नहीं करना है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन सेट होगा इसका। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल रेडियस 2 यूनिट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 यूनिट है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हूज सेंटर इज 6, 5। तो एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन पूछा है जिसका सेंटर के आपके पास में 6, 5 है एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली, तो वो इस ऊपर वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो ये क्वेश्चन जैसे आप थोड़ा सा इसका डायग्राम से ही देखें तो इजी क्वेश्चन है। तो पहले देखो आपके पास में उस सर्कल का डायग्राम ड्रा करते हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, उस रेडियस इज 2 यूनिट एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास में इस टाइप का सर्कल आ जाएगा ये। ठीक है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हुए 2,2, क्लियर है। तो अब अपने पास में इस सर्कल का इक्वेशन, अब ये जो पॉइंट है 6, 5 दैट लाइज आउटसाइड द दिस सर्कल, तो वो बाहर कहीं होगा ये, तो 6,5। तो अब ये एक सर्कल आएगा आपके पास में ऐसा, वो इस सर्कल को टच करता है एक्सटर्नली, इसका इक्वेशन पूछा है आपको, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इसका रेडियस निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकाल लो इसका, ये c1 c2, दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखो, c1 c2 किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में 9 + 9, क्लियर है। तो ये आपके पास में, सॉरी ये 16 ये 5, क्लियर है। तो ये आपके पास में 5 हो गया, तो इसका रेडियस कितना है 2 है, तो ये आपके पास में कितना आ गया 3, तो दिस इज 2। सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x - 6 का होल स्क्वायर + y - 5 का होल स्क्वायर = 9। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज भी है सेकंड ऑप्शन, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट
उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन क्या है, दी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टू दी सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब आपको दिस सर्किल पे एक पॉइंट है, उससे इस सेकेंड सर्किल पे टेंजेंट्स को ड्रॉन करना है, ठीक है, और कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स विद द फर्स्ट सर्किल ऑल्सो टच द सेकेंड सर्किल देन कैपिटल आर, मतलब जो इस सर्किल की रेडियस है उसको स्मॉल आर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करना चाहिए, पहले एक बार क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो सभी। ये लेट वो सर्किल है जिसकी रेडियस का कैपिटल आर, चलो उसको अपन सी वन लेट कर लेते हैं या एस वन लेट कर दो, इसको एस टू लेट कर लेते हैं, ठीक है, और सेंटर दोनों का सेम है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, और सेकेंड सर्किल जिसकी रेडियस स्मॉल आर है वो ऐसे ड्रॉ करना है आपको। फिर क्या करना है रफली सुनो, इस पे कोई भी एक पॉइंट हो से आपने इस पे ड्रॉ की टेंजेंट्स, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की और एक टेंजेंट को आपने ऐसे ड्रॉ किया। उसके बाद फर्स्ट सर्किल जब आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे एस टू सर्किल पे, तो इस दोनों टेंजेंटों का फर्स्ट सर्किल के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बोला गया ना इफ दी लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टेंजेंट्स विद दी फर्स्ट सर्किल ऑल्सो टच दी सेकेंड सर्किल, मतलब आप इन दोनों पॉइंटों को जॉइन करोगे, जैसे लेट ये पॉइंट पी है, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों को जॉइन करोगे ना तो ये एस टू सर्किल को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। तो आप डायग्राम उसी तरह से बनाना जो ये टच करना चाहिए, ठीक है, ये इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो अब आपको कैपिटल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना स्मॉल आर की टर्म्स में। तो देखो ढंग से, ये दोनों का सेंटर जीरो जीरो है, तो एक बात ये देखो, जैसे लाइट इस पॉइंट से आपने इस पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेंजेंट है, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी परपेंडिकुलर होगा और इधर भी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। तो जैसे लाइट अपन इस पॉइंट पी को भी इससे जॉइन कर दें, इसको सीलेक्ट कर दो आप, ठीक है, ये रेडियस स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर होगी और ये कैपिटल आर होगी, ठीक है, ध्यान रखना ये कैपिटल आर है। अब उसके बाद देखें आप, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये एंगल 90 है, तो ये पार्ट कितना होगा, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, ये हाइपोटेनियस, इसको बेस परपेंडिकुलर कुछ मानो, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली देखो, इस पॉइंट से आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो दिस लेंथ और दिस लेंथ दोनों क्या होंगी सेम, तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ बेटा ये वाली होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात कर दो, तो इससे भी आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, कौन कौन सा पार्ट, दिस पार्ट और दिस पार्ट, तो ये दोनों लेंथ भी आपकी क्या होंगी सेम। और सिमिलरली जब आप इसमें बात करोगे, ये स्मॉल आर है और इस पॉइंट को जॉइन करोगे तो ये कैपिटल आर, तो अगेन हाइपोटेनियस थ्योरम से ये वैल्यू भी आपकी इसकी इक्विवेलेंट आने वाली है, ये वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट तो ये भी इसकी इक्विवेलेंट। सिमिलरली जब इस पॉइंट से बात करोगे तो ये दोनों लेंथ भी क्या होंगी सेम, तो फाइनली ये जो ट्रायंगल है आपका एबीपी ये होगा इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी टोटल लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट। अब ये ट्रायंगल कैसा, बोलो इक्विलेटर, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटर है तो एंगल पी, एंगल ए, एंगल बी ये सारे क्या होंगे 60, और अगर ये एंगल 60 है तो पॉइंट पी को जब आप सेंटर से जॉइन करोगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल, तो ये एंगल आ गया लेट आपका 30 डिग्री। तो देखो क्या करते हैं, ये 30 है, उसके अपोजिट साइड कौन होगी, बोलो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो अपन इसी में ही काम करते हैं, और ये होगा बेस, तो जैसे लेट परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेनियस क्या होगा, कॉस थीटा टेन थीटा, तो अपन यूज करते हैं इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर इज आर अपॉन बेस, अंडर रूट बेस आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, देन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, और जब इसको स्क्वायर रूट लोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू होगी 2 × r स्मॉल। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड, ठीक है, तो इस टाइप से करना था इस क्वेश्चन को। चलो सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में मोर देन वन है या वन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है,
इफ इन साइड ए बिग सर्कल एग्जैक्टली 24 स्मॉल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 2 कैन बी ड्रॉन इन सच ए वे दैट ईच स्मॉल सर्कल टचेस द बिग सर्कल एंड ऑल्सो टच द बोथ द एडजेसेंट सर्कल स्मॉल सर्कल्स देन रेडियस ऑफ द बिग सर्कल इज. तो एक बड़ा सर्कल है उसके अंदर के आपके पास में 24 छोटे सर्कल्स हैं. तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल वी हैव द 2 यूनिट. क्लियर है? उन सभी छोटे सर्कल्स का रेडियस आपके पास में 2 यूनिट है. अब वो छोटे सर्कल इस तरीके से बनाए गए हैं अंदर उसके बड़े सर्कल में, वो दो मतलब क्या है, बड़े सर्कल को तो टच करते ही करते हैं और वो छोटे सर्कल आपस में टच करते हैं, मतलब उनके साइड वाले, ठीक है, पड़ोसी सर्कल्स का, एक सर्कल के अपने पड़ोसी सर्कल को टच करेगा. तो देखें इसमें तो इस टाइप से बड़ा सर्कल ले लिया मैंने. तो ऐसे इसके अंदर क्या है आपके पास में छोटे सर्कल आ रहे हैं इस टाइप से. सो हाउ मेनी दीज सर्कल्स, ये 24 सर्कल्स हैं. तो सेंटर ऑफ दी बिग सर्कल भी लेट्स टेक सी, इसको मैंने सी लेट कर लिया. तो अब आपके पास में जैसे ये देखो इसमें मैं इनके जब सेंटर को ज्वाइन करता हूं इस तरीके से, तो हमारे पास में यहां पर आपके पास में जैसे 24 सर्कल्स आएंगे तो आपके पास में एक रेगुलर पॉलीगन बनेगा इनको सबको जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसे. तो जिसकी साइड्स नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी आपके पास में 24 होगी, ठीक है. तो आप इसमें मैं क्या करता हूं एक साइड ले लेता हूं ये उस रेगुलर पॉलीगन की, मतलब इस समबाहुओं की एक साइड ले ली मैंने. अब आपके पास में इसकी लेंथ क्या है, जैसे ये रेडियस 1 है ये भी 1 है, ठीक है, तो ये 2 हो गया. तो इस साइड की लेंथ आपके पास में 2 हो गई. तो ये 2 बोलिए सर रेडियस, अच्छा रेडियस, अच्छा सॉरी इसमें रेडियस कितना है 2 है, तो 4. तो ये आपके पास में 2 इधर हो गया तो 2 इधर, यस 4 हो गया, ठीक है. तो ये एक सर्कल अपने C1, इसका सेंटर मैंने C1 ले लिया, इसका C2 ले लिया. तो मैं अब क्या करूंगा इसके सेंटर को इससे ज्वाइन करूंगा इस सर्कल के सेंटर से, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है. तो ये सर्कल जहां पे टच करता है, ठीक है, उस पॉइंट को ये लाइन मीट करेगी. अब ऐसे ही आपके पास में इधर इसको ज्वाइन किया. अब मैं क्या करता हूं इन दोनों सर्कल के, मतलब इस बड़े सर्कल के जो सेंटर को क्या है, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर देता हूं ये. तो ये टोटल एंगल आपके पास में कितना है यहां पे 2π/24, ठीक है, ये टोटल एंगल. और इस स्मॉल एंगल की बात करें इस छोटे की, तो ये आपके पास में आ जाएगा π/24. क्लियर है? अब अपने पास में इस बड़े सर्कल का रेडियस पूछा है, तो मेरे पास में देखो यहां पे ये पता है ये रेडियस कितना है इसका 2 है, ये पता है साइड, और फिर ये एंगल पता है. तो ये मैं क्या करूंगा इसमें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाऊं, दैट इज कोसेक ऑफ दिस एंगल, वो इस एंगल का कोसेक आएगा. तो देखें अपने इसमें देखो ये इस पॉइंट को अपने सपोज कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास में दिस लेंथ प्लस रेडियस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल. तो आपके पास में कैपिटल आर मैं उसका रेडियस लेट कर लेता हूं बड़े सर्कल का, ठीक है. तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा C1C + C1A, ये आपके पास में रेडियस आ गया. तो C1C मैंने अभी बताया था आपके पास में किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक π/4. तो ये आपके पास में 2 cosec π/24 + 2, ये रेडियस कितना है 2 है, तो 2 इसमें से कॉमन, तो 1 cosec π/24. तो ये आपके पास में रेडियस आ गया बड़े सर्कल का. अब इसमें देखिए आपके पास में ये वाला ऑप्शन बन गया, तो थर्ड इसमें होगा नहीं. अब इनके इनको और चेक करना अपने को, तो इनका कन्वर्जन अगर आप अब इनको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इनको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या इसके इक्वल आता है क्या, अगर आप इसको देंगे पहले, तो इसमें देखो आप अगर क्या इसका होल स्क्वायर जब लगाएंगे ऊपर वाले का, तो फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा sin²π/48 + cos²π/48 + 2 cos π/48 × sin π/48, वो दैट विल बी sin²a का फार्मूला लगा देंगे उसमें. तो देखो ये आपके पास में कैसे इक्वल आ जाएगा आपके पास में, फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूं, 1 + 2 sin π/48 cos π/48, ठीक है, अपॉन में sin π/24, ठीक है. अब ये आपके पास में यहां पर क्या आ गया 2 1 प्लस
साइन क्या आएगा आपके पास, ट्वेंटी फोर, ठीक है, अपॉन में साइन पाई बाय 24। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे अलग अलग तो यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज इक्वल टू व्हाट फर्स्ट ऑप्शन के। अब इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको क्या नहीं देगा, इस फॉर्म में ये फॉर्म नहीं देगा, क्लियर है। तो इसको आप सिंपलीफाई करें, साइन कोस में बदलें जैसा भी है, तो ये दिस विल नेवर गिव दी इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर नहीं आएगा क्योंकि इसमें इनटू में 2 भी है, तो इसको आप सिंपलीफाई करोगे नहीं मिलेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन आर फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखें। दी इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच टच दी लाइन 4x माइनस 3y प्लस 10 एंड 4x माइनस 3y माइनस 30 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दी लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोला गया, आपको टू लाइन गिवन है, लेट L1 L2। देखो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट क्या सेम है। तो ये लेट आपकी L1 लाइन है और ये लेट आपकी L2 लाइन है। तो एक सर्किल इन दोनों लाइन को क्या करता है, टच करता है, ये दोनों टेंजेंट है इसकी। तो जैसे लेट ये L1 लाइन है और ये लेट आपकी L2 लाइन है, तो सर्किल को कैसे ड्रॉ करना है अपन को, इनके अंदर ये सर्किल बोला गया। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों टेंजेंट होंगी इसकी, और सर्किल के सेंटर से जब अपन टेंजेंट पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल को। तो ये इनका आ गया कॉमन नॉर्मल, मतलब एज ये ए भी आपका डायमीटर हो जाएगा इसका। तो इस सर्किल का डायमीटर क्या होगा, दोनों लाइनों के बिटवीन, टू पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस। तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, टू लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया बोलो, 10 प्लस 30 40 अपॉन 5 20 अपॉन 5 नहीं ऐड हो जाएगा, सॉरी 40 अपॉन 5 इज 8। तो ए भी 8 आ गया, मतलब कि 2r 8 है तो इसकी रेडियस होगी बच्चों 4। चलो सर्किल की रेडियस तो पता लग चुकी है आपको 4, ऑप्शन में सब में 4 है, तो अब सेंटर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सेंटर के लिए क्या बोला गया है कि सेंटर लाइज ऑन दी लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 0। तो एक काम करो ना, जब सर्किल का सेंटर इस पॉइंट पे लाई करता है तो अपने काम करते हैं, इसमें x कोऑर्डिनेट को अगर अल्फा लेट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, माइनस टू अल्फा। ये लो चलो, अब अल्फा की वैल्यू देखो क्या करना है, सेंटर से जैसे लाइट आपने इस लाइन पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस की इक्वल होगा आर की इक्वल, तो किसी में भी ड्रॉ कर सकता हूं आप L1 L2 के, दोनों में सेम ही होगा। तो मैं अल्फा कॉमा माइनस टू अल्फा की डिस्टेंस इस L1 लाइन से कैलकुलेट करते हैं, तो क्या जाएगा बोलो, मोड ऑफ 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 10 का मोड अपॉन 5 इक्वल टू रेडियस इज 4, 4 और 5 20 और ये आ गया 10 अल्फा प्लस 10, तो 10 कॉमन आ गया और 20 से 10 कैंसिल करोगे तो सीधा आ गया अल्फा प्लस 1 का मोड इक्वल टू 2। जब मोड हटाओगे तो प्लस माइनस लोगे, तो टेकिंग प्लस से तो अल्फा बच्चों 1 होगा और टेकिंग माइनस से अल्फा माइनस 3 होगा। अब देखो कैसे करना है, अल्फा को 1 लोगे, मतलब सेंटर की बात करो सीधा, अल्फा को 1 लेने पे सेंटर आ गया 1, माइनस 2। तो एक ऑप्शन तो हो सकता है कि सेंटर आपका 1, माइनस 2 हो सकता है, और अगर आप अल्फा को माइनस 3 लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर क्या होगा बोलो, -3.6। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सी वन के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू 16, और इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए बच्चों x प्लस 3, x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 16। वो वैसे ऑप्शन हैवी नहीं इसमें, और एक बात ये सुन लो सभी, ये गलती से कर दिया वैसे, माइनस ही करना था मेरे को। जब आप c2 की बात करोगे भाई, एक बात बताओ, अगर ये सेंटर है सर्किल का तो ये बताओ L1 L2 के रेस्पेक्ट में पॉइंट लाइज इनसाइड दी, तो दोनों लाइन आपकी पैरेलल है, तो जो पॉइंट सेंटर है आपका इन दोनों के बिटवीन होना चाहिए। इसका मीनिंग सेंटर को पुट करोगे L1 L2 में तो उसका रेशियो बेटा नेगेटिव आना चाहिए। तो जब C1 पॉइंट को L1 में पुट करोगे L2 में, तो देखो क्या आएगा, 1 कॉमा माइनस 2 को पुट करो तो 4 प्लस 6 10 प्लस 10 पॉजिटिव,
और इसमें पुट करोगे तो ये भी क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया, मतलब C1.L1L2 के रेशियो में नेगेटिव है 100%, ये सेंटर होगा इसका। बट जब C2 पॉइंट को इन दोनों में पुट करोगे तो इनका रेशियो होगा पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये जो C2 है ये इस सर्किल का सेंटर नहीं हो सकता, तो इसमें ये C1 सेंटर सही है इसका, ये वैसे गलत था। ठीक है, ये ऑप्शन में जल्दीबाजी में हो गया था आपका, तो इसमें एक ही आंसर टिक करना था, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस कर देना आप चाहो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट C1 एंड C2 बी द टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, R1 इज लेस देन R2, बोथ C1 एंड C2 आर पासिंग थ्रू द पॉइंट A20 एंड B40 एंड आर टचिंग द सर्कल, मतलब सॉरी आर टचिंग द कर्व, कर्व है y is equal to tan of tan inverse x, तो ये लाइन आपके पास है सिंपल y is equal to x हो गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्लियर है। तो अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड गुड, अब आपके पास में दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर C1 C2 हैं और उनके रेडियस R1 R2 है, R1 इज लेस देन R2 ये गिवन है आपको। ठीक है, अब बोथ दी सर्कल्स इन दोनों पॉइंट से पास होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो मैं पहले एक वो इसमें फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन लिखूंगा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, टू फिक्स पॉइंट से। तो देखो ये दोनों पॉइंट कहां पे है आपके पास में, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं और वो फिर आपके पास में वो फैमिली ऑफ सर्कल जो आएगा वो इसको टच करेगा। ठीक है, तो उसके रेडियस के इक्वल रखेंगे तो लैम्डा की हमने जो भी आएगी वैल्यू, कॉन्स्टेंट अननोन कॉन्स्टेंट आएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखें फिर इसमें, तो पॉइंट क्या क्या आपके पास में, जीरो, ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट है जैसे 2.0 और 4.0 एंड बी 4.0, यस। तो अब इसमें सर्कल देखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स लिख लेते हैं विच पासिंग थ्रू दीज टू फिक्स पॉइंट्स, दैट विल बी हियर x-2 एंड y-4 प्लस यहां पे आपके पास में y² प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने देखो यहां पे आपके पास में, सॉरी x है, ये x-4, ठीक है, तो ये आपके पास में देखो ये y यहां पे क्या है, लैम्डा y = 0 इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। नाउ इसको आपने थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 6x, क्लियर है, प्लस लैम्डा y प्लस 8, क्लियर है। अब ये इसका सेंटर क्या आपके पास में, इट्स सेंटर भी है 3 माइनस लैम्डा अपॉन 2, रेडियस इसका रेडियस निकाल लो, रेडियस आपके पास में ये आ गया 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 8, तो दिस इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास में रेडियस आ गया। अब ये जो सर्कल है आपके पास में, दिस सर्कल टच दिस लाइन, ये इस लाइन को टच करता है, y इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू x, तो ये सर्कल जब इस, ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू व्हाट, रेडियस के, तो रेडियस के इक्वल रखेंगे, तो इसमें देखो आपके पास में x माइनस सेंटर के आपके पास में 3 माइनस, ये लाइन बन गई आपके पास में, तो आपके पास ये 3 प्लस लैम्डा बाई 2 मॉडुलस अपॉन रूट 2, तो दैट विल बी रूट 2 इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस आपके पास में ये, इसको अपने आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो स्केयरिंग करेंगे, ठीक है, तो स्केयरिंग करेंगे तो आफ्टर स्केयरिंग यू विल गेट, तो इसमें आपके पास में 3 प्लस लैम्डा अपॉन 2 होल स्केयर, तो 2 1 प्लस लैम्डा स्केयर अपॉन 4, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसमें देखो आपके पास में ये 6 प्लस लैम्डा होल स्केयर अपॉन 4 आएगा, तो इधर 8 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस लैम्डा स्केयर अपॉन 4, क्लियर है। अब इसको फिर आगे लैम्डा स्केयर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 एंड 8 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास में यहां पे, तो 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर, तो इसको देखो आप लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 12 लैम्डा और माइनस का 28, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे 14 और माइनस 3 आ रही है, ये आपके पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो इसमें आपको दो सर्कल मिल गए, ठीक है, माइनस 2 तो इसमें दो सर्कल मिलेंगे आपको,
ठीक है। अब दोनों के अपने को सेंटर निकाल लो अलग अलग, तो देखो इसमें देखो एक सर्कल का जो फिर रेडियस भी उसमें देखते हैं अपने क्या है, तो एक आर वन देखो इसमें पहले रेडियस देख लेते हैं, आर वन इज लेस देन आर टू, तो इसमें देखो आपके पास में आर वन इज रूट टू आ रहा, आर वन इज रूट टू, तो ये जब आप 14 इसमें रखोगे तो ये आर टू क्या आ रहा है आपके पास में देखो, तो 14 196 आएगा तो 49 आएगा, 49 तो दैट इज 5 रूट टू, तो ये 5 रूट टू आ गया, आर टू 5 रूट टू आ गया, क्लियर है 5 रूट, यस। सो अब आपके पास में इधर सेंटर देख लेते हैं, पहले सर्कल का सेंटर क्या आपके पास में, सो दैट विल बी माइनस टू इसमें डालेंगे तो ये 3.1 एंड सी टू भी है 3.-7 3.-7 yes. अब आपको ऑप्शन में क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं उसमें, तो देखो आर टू इज ये तो नहीं है गलत, ठीक है ना, तो आपके पास में आर वन क्या रूट टू है, आर टू आपके पास में 5 रूट, यस। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सी वन, तो सी वन का अपने को डायरेक्टर सर्कल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसके रेडियस की बात कर लेते हैं, मेरे को ये बताओ आपके पास में आर वन का मतलब सी वन का रेडियस कितना रूट टू है, तो डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है रूट टू टाइम्स होता है, यस, ठीक है, तो इसके रेडियस का रूट टू टाइम्स क्या आएगा आपके पास में अंडर वो क्या बन जाएगा टू बन जाएगा, तो रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ सी वन इज टू, इसका रूट टू टाइम्स कर देंगे दैट विल गिव द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, तो टू आ गया आपके पास में टू हो गया, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो गया एक तो। अब क्या इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल सी टू ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपके पास में उसका C2 का अपने को इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो सेकंड उसमें देख चेक कर लेते हैं, तो देखो आपके पास में उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में 14 14 तो 14 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन y एक्सिस टू अंडरूट f स्क्वायर माइनस c होता है, तो ठीक है ना, तो देखो ये इंटरसेप्ट आपके पास में f स्क्वायर That is 7, f कितना हो गया 7, तो 49 minus 8, तो that is 2 under root 41, तो आपके पास में intercept made by the C2 circle on y-axis 2 under root 41, so third option is correct, so sum of the ordinates of the center of the C1 and C2, तो C1 और C2 के ordinates, जो आपके पास में C1 C2 के ordinates, मतलब y coordinates का sum पूछा है, तो that is minus 6, यहाँ पे आपको माइनस 7 दे रहा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर, सो हियर वी हैव द टू सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, लेट L1 L2 L3 आर थ्री स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन, द कॉलम 1 गिव्स द नेचर ऑफ द लाइंस एंड कॉलम 2 इज द नंबर ऑफ सर्किल्स With non-zero finite radius, मतलब उनकी रेडियस आपकी डिफाइंड है, टचिंग ऑल द लाइंस, ठीक है, मतलब कॉलम फर्स्ट में तो जो लाइंस है उनका नेचर गिवन है कि लाइन पैरेलल होंगी परपेंडिकुलर टू सो ऑन, और सी टू कॉलम में मेंशन किया है कि जो सर्किल है वो ऑल थ्री लाइंस को बच्चों टच करते हैं, ठीक है, तो देन आपको कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है। देखो इसका पी पार्ट क्या है, द लाइंस आर कॉन्करेंट, मतलब कॉन्करेंट का मीनिंग ऑल थ्री लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो जब आप इन तीनों लाइन को एक सिंगल पॉइंट से पास करा दो, चलो इसको सिंपल है देख लेते हैं, इसको सिंगल पॉइंट से पास कराओगे आप तो क्या एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो क्या कि जो ऑल थ्री सर्किल ऑल थ्री लाइंस को क्या करे टच, इसमें सर्किल कहीं टच ही नहीं हो सकता, सर्किल ओनली टू लाइन को क्या कर सकता है टच कर सकता है, तो इस केस में कोई भी सर्किल पॉसिबल नहीं होगा, तो पी का आंसर तो टिक करना आपको सी, तो पी का आंसर तो आ गया बच्चों सी, ठीक है, पी का आंसर आने के बाद सेकेंड क्यू पार्ट क्या है कि दी लाइंस आर पैरेलल, अगर ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल, तीनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उस केस में भी कोई भी सर्किल टू लाइन को क्या कर सकता है टच कर सकता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा जीरो, तो क्यू का आंसर भी बच्चों क्या होगा बोलो सी। थर्ड पार्ट क्या आर पार्ट, इफ ओनली टू लाइंस आर पैरेलल, अगर केवल दो लाइन आप क्या लोगे पैरेलल, तो देखो टू लाइंस पैरेलल की बात करते हैं, तो देखो जैसे लेट ये टू लाइन तो आपकी पैरेलल है और एक लाइन क्या करती है इन दोनों को इंटरसेक्ट, तो देखो एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करो जो ऑल थ्री लाइन को क्या करता है टच, तो देखो एक तो अपन इधर बना सकते हैं जो तीनों को टच करता है, एक इधर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी जब आप इस रीजन में मतलब 1 2 3 4
इन चारों रीजन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे सर्किल सॉरी तो ओनली टू लाइन को क्या करता है टच, तो ओनली टू पॉसिबल केसेज होंगे जब सर्किल टच ऑल थ्री लाइंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर है इसकी टू मतलब बी ऑप्शन टिक करना है, तो आर का आंसर फिल करना है आपको बच्चों बी। और एस पार्ट क्या है, दी लाइंस आर नाइदर कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, इसका मीनिंग ऑल लाइंस एक दूसरे को क्या करती है बोलो इंटरसेक्ट, तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा एक सर्किल का, और सर्किल के केस में देखो सॉरी ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के केस में देखो एक सर्किल तो उसका बन सकता है इन सर्किल, और इनके अकॉर्डिंग जब अपन बनाते एक सर्किल तो एक सर्किल तीनों को टच इधर कर सकता है एक्सटर्नली, एक सर्किल इधर टच कर सकता है, और एक सर्किल आपका ये इन सर्किल है ये एक्स सर्किल होंगे, तो टोटल फोर सर्किल को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एस का आंसर क्या होगा बोलो ए, तो पी का ए क्यू का सॉरी पी और क्यू का सी फिल करना है, आर का बी और एस का ए फिल करना आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सी वन एंड सी टू सबटेंड द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स रिस्पेक्टिवली, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन देन रेडियस ऑफ सी वन एंड सी टू आर रूट टू ए एंड ए देन ए इज इक्वल टू, तो आपके पास में यहाँ पे दो सर्कल है ठीक है सी वन और सी टू, उनकी जो कॉमन कोड है वो आपके पास में सर्कल C1 के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है और वही कॉमन कोड आपके पास में सर्कल C2 के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ दी बोथ दी सर्कल इज गिवन टू यू, दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस रूट थ्री प्लस वन दिया हुआ है, तो आपको पूछा क्या है दी रेडियस ऑफ बोथ दी सर्कल क्या कह रहा है कि रूट ए और ए है, तो देन वैल्यू ऑफ ए, तो देखें तो सिंपल सा है, पहले देखो आपके पास में कॉमन कोड है एक सर्कल के सेंटर पे कितना है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब एक सर्कल में वो कोड क्या है बड़ी है, उसकी लेंथ क्या बड़ी है आपके पास में ठीक है, और दूसरे सर्कल में कोड की लेंथ क्या है छोटी है ठीक है जिसमें 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, जैसे देखो मैं इस सर्कल में थोड़ा सा ये कोड बड़ी ले लेता हूँ ये, अब ये दूसरा सर्कल क्या आपको बड़ा लेना पड़ेगा ठीक है, तो वो देखो उसमें ये कंपेरेटिवली इसके क्या है देखो इससे उसका रेडियस क्या है इससे ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, ऐसे ये सर्कल हो गया दूसरा ठीक है, ये दोनों सर्कल की कॉमन कोड हो गई, तो आपके पास में इसका सर्कल का सेंटर क्या है आपके पास में सी वन दिस इज सी टू ठीक है, अब ये कोड क्या करती है इस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे ऐसा, तो सिमिलरली दिस कोड Also subtend angle 60 degree at the center of the other circle. तो इसपे कितना बनाती है आपके पास में 60. ये 60 का हो गया, ठीक है? तो ये 90 का हो गया. अगर मैं दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करता हूं, देखो इसमें दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो अपने इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करो आप थोड़ा सा. ये दोनों ट्रायंगल के आपके पास में दिस इज आर वन, रेडियस ऑफ दी सी वन का मैंने आर वन ले लिया, इसका आर टू ले लिया, तो ये आपके पास में R1 ये R2, ये कॉमन साइड होगी दोनों ट्रायंगल की, ये दोनों ट्रायंगल अगर आप इसमें कंसीडर करें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास में इसकी R1 R2 इसके R1 R2 ये दोनों ये कॉमन हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ये एंगल क्या होगा इसके बराबर हो गया ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये टोटल एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 45 डिग्री ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी वन सी टू में मैं क्या करूंगा साइन फार्मूला लगा देता हूं, तो साइन फार्मूला लगाएंगे तो देखो आपके पास में ए सी वन अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल तो साइन 30 क्लियर है, नाउ AC2 अपॉन साइन 45 क्लियर है, नाउ दिस एंगल इज 45 दिस इज 30 डिग्री दिस इज हाउ मच, तो ये आपके पास में कितना आएगा आपके पास तो ये तो 75 हो गया ना, तो ये आपके पास 105 हो गया ठीक है,
ठीक है। तो अब आपके पास में इधर क्या आएगा, सी वन सी टू अपॉन साइन 105। अब ये क्वेश्चन सिंपल बन गया। तो ये आपके पास में आर वन अपॉन वन अपॉन टू, दिस इज आर टू अपॉन वन अपॉन रूट टू, ये आपके पास में रूट थ्री प्लस वन। अब आपको पता साइन 105 की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, इतनी वैल्यू का आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास में रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर वन क्या आ गया, रूट टू आ गया, और आर टू क्या आएगा आपके पास में, टू आएगा। क्लियर है? सो नाउ व्हाट इज द ए, ए इज टू, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल ग्रिड क्वेश्चन था, ठीक है। ए, इसकी ए की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास में, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन देखें आप, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द सेट, आपको टू सेट गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड, कंटेन ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, मतलब इन दोनों सेटों में ओनली एक पॉइंट कॉमन है, तो देन आपको सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका फर्स्ट सेट है लेट एस वन, इस सेट का मीनिंग क्या है कि सेट के अंदर आपको एक सर्किल की इक्वेशन है, और लेस देन इक्वल टू वन का मीनिंग क्या है, या तो सर्कमफ्रेंस का पोर्शन ले सकते हो या उसका इंटीरियर पोर्शन लेट कर सकते हो। और सेट एस टू में जो सेकेंड सेट है एस टू, इसमें क्या मेंशन है, एक लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस लाइन में ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या है कि या तो ये पार्ट जो ओरिजिन है उसके अंदर वाला पार्ट हो सकता है या आउटर साइड ऑफ दी ओरिजिन वाला पार्ट हो सकता है। तो इन दोनों का ओनली वन पॉइंट कॉमन है, मतलब सर्किल और लाइन का वन पॉइंट कॉमन है, तो इसका मीनिंग यही हो सकता है कि लाइन सर्किल को टच करनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का यूज क्या है वो देखते हैं बाद में, तो चलो इसको ट्राई करते हैं अपन। देखो इस सर्किल का मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका सेंटर क्या है बोलो, माइनस वन कोमा जीरो, और इसकी रेडियस होगी वन एंड वन रूट टू, ठीक है। और ये लाइन है आपकी एक्स माइनस वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो अपन इसको डायग्राम से समझते पहले, थोड़ा सिंपल सी बात है, ये लेट सर्किल है। चलो एक काम करो, डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करो, क्योंकि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये पोर्शन कौन सा है, क्योंकि अगर टच की बात करोगे ना, तो टच के केस में अगर ये लाइन आपने ड्रॉ की और उसका इधर वाला पोर्शन आ गया, तो फिर काफी सारे पॉइंट दोनों में कॉमन हो सकते हैं। तो इसको अपन प्रॉपर एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे एक बार, ये एक्स एक्सिस है, ये बच्चों वाई एक्सिस, माइनस सेंटर माइनस वन कोमा जीरो, रेडियस टू है, सेंटर माइनस वन कोमा जीरो, रेडियस रूट टू, इसका मीनिंग ये सर्किल इधर कट करके जाएगा, सही ये सर्किल ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं अपन, इसमें दो केस सेलेक्ट करो, सीधी सीधी बात है, ये जो लाइन है सिंपल है, जैसे इस लाइन एल में आपने सेंटर पुट, सॉरी ओरिजिन पुट किया जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पुट करने पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, सी। तो इधर सुनो, अगर सी पॉजिटिव हुआ, अपन इसमें दो केस सेलेक्ट करते हैं कि इफ सी ग्रेटर देन जीरो, सी अगर जीरो से ग्रेटर होगा, तो देखो लाइन में जब इस पॉइंट को पुट करोगे जीरो जीरो को, सी पॉजिटिव है आपका, तो देखो लाइन को ड्रॉ करो एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वाई को जीरो लोगे तो एक्स क्या होगा, माइनस सी, तो सी आपने पॉजिटिव माना है, मतलब माइनस सी कहीं इधर होगा, ठीक है, माइनस सी को जीरो, और एक्स को जीरो लोगे तो वाई सी, और सी पॉजिटिव है तो जीरो कोमा सी आपका कहीं इधर होगा, मतलब ये लाइन इस पॉइंट पे इसको टच कर सकती है, ऐसा होगा। बट इस केस में देखो प्रॉब्लम क्या है कि लाइन में आपने जब जीरो जीरो पुट किया तो सी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मीनिंग ये जो लाइन है इसका अपन को नीचे वाला पोर्शन लेना है, और अगर इस लाइन के नीचे वाले पोर्शन को आप सेलेक्ट करोगे तो सर्किल का इंटीरियर पोर्शन और इसका नीचे वाला पोर्शन, इसके हाउ मतलब मैनी इनफाइनाइट पॉइंट क्या होंगे बोलो, कॉमन। बट क्वेश्चन में बोला गया कंटेन ओनली वन पॉइंट, मतलब सी पॉजिटिव केस आपको लेट नहीं करना है। फिर सेकेंड केस लेट कर दें कि सी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, सी अगर नेगेटिव होगा तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम नीचे बनाना है, क्यों, क्योंकि सी नेगेटिव लोगे तो माइनस सी कोमा जीरो तो पॉजिटिव बन जाएगा आपका, और जीरो सी आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन आपकी फिर इधर टच कर सकती है इसको,
लाइन पैरेलल होगी, ध्यान रखना इस बात को, ये पॉसिबल हो सकता है। बट एक बार ये देखो, अगर अगेन लाइन के ऊपर वाला पोर्शन हुआ तो मैनी पॉइंट हो सकते हैं ना टचिंग के अलावा। तो देखो इसमें एल जीरो जीरो है और ये सी है, तो इसमें सी की वैल्यू नेगेटिव है और ओरिजिन को पुट करोगे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये आपका पोर्शन आ गया इधर वाला पोर्शन। इसका मीनिंग इस केस में लाइन इस सर्किल को टच कर सकती है ओनली वन पॉइंट पे, तो ये वन पॉइंट आपका कॉमन होगा। तो बताओ इस केस में सी की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करना है बोलो, सर्किल के सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी क्या होनी चाहिए बोलो, रेडियस के इक्वल, मतलब सी एम इक्वल टू करना है आपको रेडियस। तो सी एम को जब रेडियस के इक्वल करोगे तो देखो क्या आंसर आता है, ये लाइन है सेंटर क्या है माइनस वन कोमा जीरो, तो चलो पुट करो माइनस वन प्लस जीरो प्लस सी, मतलब सी माइनस वन का मोड आ गया है। तो सी माइनस वन का मोड अपॉन रूट टू इक्वल टू क्या है रेडियस, रूट टू, ठीक है। तो रूट टू इंटू रूट टू क्या आ गया, टू आ गया। तो सी माइनस वन का मोड टू, तो देन सी क्या होगा बोलो, एक बार टेकिंग प्लस लोगे तो थ्री आएगा और टेकिंग माइनस लोगे तो बच्चों माइनस वन, बट सी आपका ओनली नेगेटिव है। तो एक ही केस पॉसिबल है कि सी क्या होना चाहिए माइनस वन। तो सी को जब माइनस वन पुट करोगे ना तो ये केवल इसी पॉइंट पे इसको टच करेगी, तो ओनली वन कॉमन पॉइंट क्या होगा दोनों में कॉमन। तो इसका आंसर फिल करना था आपको इंटीजर में, तो इसका आंसर फिल करना था बच्चों वन, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होते हैं। ओके थैंक यू, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।